भाई अभी हम लोग रोप वे में और हमें जबरदस्ती बिठाया गया, सामान ऐसी फेंक दिया इसके अंदर। अरे पकड़ू क्या? मेरे को तो ऐसा लगता है ये साले जूते ज्यादा सिकली। नहीं नहीं नहीं, अभी शिवम के साथ कुछ ऐसा हुआ है सर, बताएं क्या हुआ भाई? ड्रोन कैमरे वैमरे वाला बैग पीछे से नीचे गिर गया, कम से कम एक मंजिल की हाइट से। बर्फ को पानी बनाया जा रहा है यहाँ पे इस आग पे, और इस केटल में भी यही हो रहा है, और उसी पानी से नीचे हम चावल भिगा रहे हैं। और इस आग के अंदर क्या रखा हुआ है नागी भाई? खाने में हमारे पास अभी रेडी हुआ है भाई रोस्टेड आलू, और भाई आप मशरूम देख सकते हो क्या बढ़िया मैरिनेटेड है। तो मेन कोर्स के लिए हमारे पास यहाँ पे प्याज अभी फ्राई हो रही है, क्योंकि इसके अंदर हम बनाएंगे सब्जियाँ। अब इसके अंदर जाएगी सारी वेजीज। स्वाहा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हैं ओली में, और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देख के आप समझ गए होंगे, और पीछे बर्फ देख के आज हम लोग करने वाले हैं स्नो कैंपिंग। यहाँ पे हम लोग ओली में आए थे कल, तो जिन लोगों ने पिछला व्लॉग नहीं देखा मैं उसको यहाँ पे पिन भी कर दूंगा, आप लोग जाके देख लेना उस व्लॉग को। भाई बहुत ज़्यादा हसल हो गया था यहाँ पे आना, रात को 10:30-11 बज गए थे हमें ओली पहुँचने में। फिर यहाँ पे हम डिसेंट सा एक रिजॉर्ट देख के रुक गए थे उसके अंदर। अब आज हम लोगों ने अपना जो एक्स्ट्रा सामान था सब कुछ सारा रिजॉर्ट में ही रख दिया, और बस कैंपिंग का सामान और थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े लेके हम लोग ऊपर जा रहे हैं। देख रहे हैं लेक पे कैंपिंग करने को मिलती है ऊपर। हमारा तो ट्राई है कि 360 व्यू पॉइंट पे परमिशन मिल जाए फॉरेस्ट से कि वहाँ पे कैंपिंग लगा सके, तो हम लोग कैंपिंग लगाएंगे वहाँ पे। और अभी सब लोग नीचे खड़े पार्किंग पे, बस वहीं से हम लोग, हमारी पार्किंग से यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो जाता है ऊपर, और सब कर रहे हैं वेट, जल्दी चलते हैं अब नीचे। तो भाई यहाँ पे खड़े अपने सारे फ्रेंड्स विशेष, आयुष, दीपक और नागी भाई, और ये आप लोग पीछे देख रहे हो जो यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट होएगा, और ये सारा लगेज है हमें जो कैरी करके लेके जाना भाई अपनी कैंपिंग के लिए ऊपर। तो भाई चलते हैं फटाफट, पहले से ऑलरेडी लेट हो गए। क्या टाइम हो रहा है? 12 बज गए यार, एक दो घंटे के अंदर ट्रैक खत्म करना है। चलो जल्दी मेरे पीछे जितनी भी सीढ़ी आप लोगों ने देखी, और यहाँ का जितना रास्ता देख रहे हो ना, लास्ट टाइम मैं आया था इस पूरे पे लाइन लगी हुई थी, इस टाइम बस एक वो जोशीमठ के इंसिडेंट की वजह से भाई सब खत्म, कोई टूरिस्ट दिख ही नहीं रहा हमारा, एक बंदा नहीं दिख रहा, पूरा का पूरा खाली पड़ा है। और मैं बताऊँ तो भाई कुछ भी ऐसा नहीं है, रिस्की बहुत सेफ रास्ता था, थोड़ा बहुत रास्ते पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन इतना रिस्की नहीं था, सब कुछ ओके था। बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ जो आ सकते हो आओ, यहाँ मिलेगा सुकून, शांति, पीस। अगले साल क्या पता फिर भीड़ हो जाए, और भाई सांस तो अभी से फूल रही है, अभी तो हाई ऑल्टीट्यूड पे जाना है, आ जाओ जल्दी। ये कुछ नीचे से 50-100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये हमारा आ जाता है रोप वे, यहाँ से हमें चेयर मिल जाएगी रोप वे के साथ, उस पर बैठ के आराम से जितना सामान कैरी करके जा सकते हैं ऊपर पहुँचते हैं, और फिर कैंपिंग साइट ढूंढते हैं भाई जल्दी से। आ जाओ आ जाओ। कितने रुपये किया? 500 रुपए की एक है ओ भाई साहब, और ये लॉटरी लग चुकी है हमारी, 500-2500 रुपए की लॉटरी लगी। तो भाई अभी आप लोगों को एक मैजिक दिखाता हूँ। मेरे पीछे देख रहे हो ये भाई, ये जमीन आप बंजर जमीन, और यहाँ से हमारा रोप है, यहाँ से रोप वे करेंगे, और ये देखो हेवन ऑन द अर्थ। भाई लास्ट टाइम आया था बहुत भीड़ थी, अभी स्की चल रही है इस पूरे पे, और यहाँ से रॉप वे से जाके ऊपर देखते हैं जहाँ पे कैंपिंग मिलती है, कैंपिंग लगाएंगे और जो एक नंबर रील्स बनाएंगे, क्योंकि इस बार भाई रील्स बनाने के मेरे साथ विशेष आया, स्पेशली कह रहा भाई रील्स ही बनाएंगे ओली में जाके। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई, हैंडल यहाँ पे आ रहा होगा, आप बहुत कैडी कैडी रील्स देखने को मिलेंगी। और अब भाई सब वेट कर रहे हैं, रोप वे पे जा रहे हैं फटाफट, रोप वे लेके ऊपर। अभी हम लोग रोप वे में, और हमें जबरदस्ती बिठाया गया, सामान ऐसी फेंक दिया इसके अंदर, ऑर्गेनाइज ही नहीं है कि भाई थोड़ी देर रोक दे सब से बैठने दे, चलती चलती में बिठाया, चलती चलती में सामान फेंक दिया, और ये पता नहीं हमारा गोप्रो भी सेट नहीं हुआ भाई। मेरे को तो ऐसा लगता है ये साले जूते ज्यादा सिकली। नहीं 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 मेरी कसम, नहीं मैं पिछली बार जो पहन के आया था वो बिल्कुल नहीं थे। हम लोग अपनी कैंपिंग साइट पर पहुंच गए हैं, अभी दिखाता हूं क्या मज़ेदार मिले। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं, ये मेरे पीछे जो रेड ऑरेंज कलर का पिलर देख रहे हो ना भाई, यहाँ पे रोप वे ख़त्म होती है, और
भाई मैं पहले बता दूं कि भाई दो तीन सेकंड का भी पॉज नहीं लेते कि बंदा आराम से बैठ जाए, चलते हुए मैं बिठाते हैं। अभी शिवम के साथ कुछ ऐसा हुआ है सर, बताएं क्या हुआ भाई है? ड्रोन कैमरे वैमरे वाला बैग पीछे से नीचे गिर गया कम से कम एक मंजिल की हाइट से, क्योंकि सही से रखा ही नहीं, चलते चलते मैं ऐसे फेंक रहे हैं बैग, लो 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 लो। और हमारी रॉड भी सही से नहीं लगी थी, सेफ्टी रॉड। ओ भाई बैठाया जबरदस्ती पकड़ रहे, ऊपर से हमें कॉन्टेंट बनाना है, क्या करें, बहुत मुश्किल से करा जो करा, लेकिन भाई सबसे बढ़िया ये हो गया कि ऊपर आ गए भैया मिल गए, उन्होंने हमें कुछ ये कैंपिंग साइट दी है, यहाँ पे कैंप लगाएंगे, कैंप का फेस होगा उस साइड, पीछे का व्यू देखो, और उसी के जस्ट नीचे हमारे पास है वहाँ पे फ्रोजन लेक, भाई मजा आ जाएगा अल्टीमेट। अभी कैंप लेके आ रहे हैं नागी भाई दीपक और आयुष। पहले भाई कैंप के लिए जगह भी तो साफ करनी पड़ेगी जहाँ पे लगाएंगे। अरे भाई ये तो बहुत जहाँ तक खोदते जा रहे हैं बर्फ ही बर्फ निकल रही है, अब निकल गया, निकल गया, निकल गया, फ्लैट सरफेस मिल गया भाई। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत के बाद हमारे दोनों कैंप सेट हो चुके हैं और आग भी जल चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे कैंप कैसे हैं और रात हम कहाँ पे कैसे बिताने वाले हैं भाई आज की। ये दो मास्टर बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं भाई क्योंकि नीचे आग जल रही है बढ़िया, तो अब ठंड तो नहीं लगेगी मेरे को लगता है, सारी रात सब भारी बैठने वाले जब तक आग जलेगी। भाई ये हमारा 4% टेंट, इसमें हम तीन जने सोएंगे और बाकी सामान है लगेज वगैरह जो हम ऊपर लेके आए थे, एक दो और ये तीन, तीन स्लीपिंग बैग, अभी थोड़ा सा सामान फैला रखा हमने अपना, और इधर सारा लगेज कंपार्टमेंट बना दिया भाई। खाना हम लोग भाई यहीं बनाएंगे ठीक है, यहाँ से बढ़िया व्यू आएगा भाई सुबह जब उठेंगे। और मैं दिखाता हूँ आपको अपना 2% टेंट, ये एक्स्ट्रा लकड़ियाँ कुछ, और उसके बाद ये रहा भाई 2% टेंट, इसमें भी दो जने आराम से सोएंगे, एक स्लीपिंग बैग रहा, एक वो रहा, और इसका गेट वहाँ से भी खुलता है तो कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है, उधर वाला बंदा उधर से निकल जाएगा, इधर वाला इधर से निकल जाएगा। तो भाई ये अपना कुछ सेटअप है ऐसा टोटल आज का, भाई अपने कैंप दोनों और कैंप से व्यू देखो एक बार यार तुम, ओहो। और तो और नीचे फ्रोजन लेक भी है आप देखोगे तो राइट। सब नीचे से लगा नहीं लकड़ी में मार, इतनी बर्फ में सबसे पहले हमें जरूरत है भाई आपकी, वो काम पहले पूरा कर लेते हैं फिर बाकी सब चीज निकाल लेंगे। देखते ही देखते सारे में अंधेरा हो गया, हम थोड़ी देर में देखेंगे भाई स्टार लैब्स बनाएंगे, स्टार्स देखेंगे, उससे पहले खाना जरूरी है, पेट पूजा जरूरी है, तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट कर दिया भाई। दिक्कत तो बता दे क्या हुई है, दिक्कतें भाई दिक्कतें, ब्यूटेन गैस लिया हम आठ आठ फुल स्वैग में खाना बनाएंगे और उसके लिए गैस नीचे छोड़ गए, मतलब चूल्हा चूल्हा जो हमारी कैंपिंग स्टोव था वो। अब भाई ये कुछ हिसाब किताब है जो हमने आग जलाई थी उसी के ऊपर भाई, पहले क्या कर रहा भाई विशेष अभी, यार स्मार्ट सा लग रहा हूँ मैं, पहले तो मैं ये देख रहा हूँ, मतलब अभी मैं बर्फ को पानी बना रहा हूँ
बढ़िया आग लगा, बर्फ पानी खेल लेते हैं, बर्फ पानी खेल रहे हैं, यहाँ से बर्फ इकट्ठी करके उसको गैस पर पानी बना रहे हैं। बर्फ पानी आज बनाना पड़ रहा है, आज प्रैक्टिकल चल रहा है, आज बर्फ बर्फ को पानी बनाया जा रहा है यहाँ पे इस आग पे, और इस केटल में भी यही हो रहा है, और उसी पानी से नीचे हम चावल भिगा रहे हैं। और इस आग के अंदर क्या रखा हुआ है नागे भाई? कौन सी आग के अंदर? ये अंदर तंदूर में हमारे पोटैटो आलू भुन रहे हैं, शकरकंदी भुनी हुई खाई के ना, बिल्कुल आलू भुन रहे हैं। और जो मजा आने वाला ना, मतलब जब काले को कुछ ना हो तो चाहे शकरकंदी हो चाहे आलू हो, उबला वो खा लो, सिका वो खा लो, तंदूरी आलू, तंदूरी आलू, चावल का पुलाव बनाएंगे, और क्या क्या खाएंगे उसके अलावा? पास्ता बनाने के ट्राई करेंगे, पास्ता है, मैगी है, मशरूम है, और हम भी सब कुछ तो सेटअप हो गया था, अब भूख लग रही है तो उसके लिए खाना चाहिए। खाने में हमारे पास अभी रेडी हुआ है भाई रोस्टेड आलू, बहुत टेस्टी लग रहा है, ऊपर से ऐसा हो गया क्योंकि थोड़ा राख लग गई है इस पे, इसको हटा के खाएंगे, बहुत बढ़िया लग रहा है। और भाई आप मशरूम देख सकते हो क्या बढ़िया मैरिनेटेड है, हट जाओ, मशरूम खाएंगे अब तो रोस्ट करके। विशेष ने आलू पील ऑफ कर दिया है, और क्या मस्त लग रहा है, शकरकंदी लग रही है तो पूरी, और बहुत सही है, ऐसा नहीं है कच्चा है, बहुत बढ़िया लग रहा है खाने में, है ना, डायरेक्ट खा रहे हैं हम, बहुत टेस्टी के साथ। ओहो, और भाई ये देखो मशरूम भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो रही है, आलू और मशरूम डायरेक्ट बारबेक्यू से केचप लगा के, मजा आया, बढ़िया लग रहा टेस्ट, प्रॉपर पके हुए हैं। और भी है यार इसमें, आलू हमने पूरे भर रखे हैं अंदर, बनते रहेंगे और हम लोग खाते रहेंगे। मशरूम निकाल के देखिए एक बार, ओहो बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा चिकन लग रहा है यार मुझे तो, चिकन लग रहा है आपको, बहुत टेस्टी है ना सच में? हाँ। कैसा लगा? एक नंबर, वहाँ पे अपने आप लाए हो ना भाई, मतलब पप्पी ले लो भाई, रसोई के जायके बेचे बनवा के घर से भाई। मशरूम बहुत बढ़िया बारबेक्यू करके खाने के बाद, अब भाई कुछ मेन कोर्स में भी तो खाना है, स्टार्टर्स तो हो गए, तो मेन कोर्स के लिए हमारे पास यहाँ पे प्याज अभी फ्राई हो रही है क्योंकि इसके अंदर हम बनाएंगे सब्जियाँ, अब इसके अंदर जाएगी सारी वेजीज, भाई प्याज हो गई, वेजीज हो गई, अब मसाले भी तो आएंगे मैरिनेशन वाले मसालों से, हम अपने बनाएंगे मशरूम के साथ, भी आ गए बढ़िया, मशरूम पुलाव टमाटर, टिड़े 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 खेल रहा है, डाल ना पक्का, हाँ 1 2 3 गो, चलो पानी डाल दो अभी इसमें, और ढक्कन है यार हमारे पास, पानी डाल दो पहले, बस बहुत हो गया, अब इसको थोड़ी देर ढक के छोड़ देते हैं भाई, धीरे धीरे धीमी आंच पे पकता रहेगा ये। भाई हमने बना दिया अपना खुद का पोर्टेबल कुकर, ठीक है, ये लकड़ियाँ इसके अंदर छोटी छोटी डाल दी, दीपक बहुत हेल्प कर रहा है भाई, लकड़ियाँ फाड़ फाड़ के दे रहा है अपने हाथ से सारी छोटी छोटी, और अब ये जब बन जाएगी सब्जियाँ तो चावल भी इसी के अंदर बना देंगे इसी तरीके से, और ये सब बैठ के खाएंगे हम अपने कैंप के अंदर, भाई बहुत ठंड होगी इस टाइम पे। तो यार दिस इज द फाइनल आउटपुट, अपनी ये पुलाव बन चुका है, और सब्जियाँ देखो यार मजा आ रहा है, सब लोग मस्त पुलाव एंजॉय कर रहे हैं।